हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मैं आप लोग को बताऊंगा ई श्रम कार्ड क्या होता है और इसे क्या फायदा है और लॉगिन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन से क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन उठा सकता है इसका फायदा। चलिए डिटेल से हम इसको जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए केंद्र सरकार इस साल अगस्त माह में श्रम कार्ड यानी ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इससे असंगठित क्षेत्रों के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगारों को ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड की मदद से रजिस्ट्रेशन कामगार देश में कहीं भी कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री दुर्घटना बीमा की मदद भी है। ई श्रम पोर्टल पर कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय व्यापी अभिनियम चलाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जान लें कि ई श्रम कार्ड आखिर में क्या और इसे लेने के लिए दस्तावेज लगेगा। कार्ड में रहेगा 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। असंगठित क्षेत्रों में कामगारों में निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी मजदूरों जैसे रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि शामिल हैं। ई श्रम कार्ड 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूनी रहेगा। ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा। ईवन नंबर एक अस्थाई नंबर होगा, अर्थात एक बार प्रदान किए जाने के बाद यह कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा। ई श्रम कार्ड के जीवन भर के लिए मान्य है। कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक है। ई श्रम पोर्टल पर जाकर या CSC के माध्यम से कामगार अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं। अपडेट की जा सकने वाली डिटेल्स में मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार एवं पारिवारिक विवरण आदि शामिल हैं। ई श्रम कार्ड केवल असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए है, लिहाजा EPFO या ESIC के मेंबर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कामगार जो गृह आधारित कामगार, सेल्फ एम्प्लॉयड कामगार या असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत वेतन भोगी कामगार हैं इस और ICA के सदस्य नहीं हैं, असंगठित कामगार कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठित इकाइयां शामिल है वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन बिक्री में लगी हुई 10 से कम कामगारों को असंगठित कामगार के रूप में ई श्रम पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आय मानदंड नहीं है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आय का कोई मानदंड नहीं है, लेकिन कामगार को आयकरदाता नहीं होनी चाहिए। ई श्रम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन श्रमिक 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर है दिया जाएगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता के स्थिति में 2 लाख रुपये धनराशि दी जाएगी। वहीं अगर श्रमिक असंख्य रूप से विकलांग होता है तो इस बीमा का योजना का तहत वह 1 लाख रुपए का हकदार होगा। आइए हम जानते हैं कैसे करें रजिस्ट्रेशन, क्या लगेगा। इस कार्ड के लिए 16 से 59 साल उम्र होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा ishram.gov.in। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये हम जान लेते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए वर्कर्स नाम, पेश पता, शैक्षिक योग्यता, स्किल जैसी जानकारियां दर्ज करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते युवा डेटाबेस कामगार सभी जानकारी अपने आप पोर्टल पर सामने दिखाई जाएगी। व्यक्ति को बाकी की जरूरी जानकारी भरनी होगी। कामगार द्वारा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता है, जैसे कि आधार कार्ड संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता। यदि किसी कामगार के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह निकटतम CSC पर जाकर अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर एक नए वीडियो मांगो तो तक लिए नमस्कार। जय हिंद।